बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत के साथ होंगे। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे मौसम के जो सिचुएशन बनी हुई है, आपको देख सकते हैं। तो दिन को तकरीबन 24 पर टेम्परेचर था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बारिश जो है वो आ रही है, अल्लाह की रहमत बरसने शुरू हो गई है, बादल भी बरसना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा ये खूबसूरत व्यू, खूबसूरत मनाजर आपके साथ भी शेयर करूं। तो ये सारे पीछे आप देखते हैं, आसमान पर भी बादल है और बादलों की आवाज़ भी आ रही है। तो बारिश बरसना शुरू हो गई है, तो दिखाता हूँ कुछ खूबसूरत मनाजर आपको। तो जब अल्लाह की रहमत बरस रही हो, तो इस घड़ी में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कबूल की जाती है, कबूल होती है। तो मेरी भी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जब इस किस्म का मौसम हो, रहमत बरस रही हो, अल्लाह की रहमत बरस रही हो, उस रहमत बरसने वाली घड़ी में कुछ ना कुछ मांगना चाहिए, तो अल्लाह ज़रूर पूरी फरमा देता है। मेरी ये दुआ है, बारिश आ रही है, अल्लाह की रहमत बरस रही है, तो मेरी ये दुआ है आज तक या अब तक जितने भी मुसलमान बीमार हैं, अल्लाह ताला इस रहमत की घड़ी में अल्लाह ताला उन बीमारों की जल्द बीमारी को दूर फरमा दे। अल्लाह रहमत की, या अल्लाह तेरी रहमत बरस रही है, हम तुझी से मदद मांगते हैं। या अल्लाह इस रहमत की घड़ी में जितने भी बीमार मुसलमान हैं सब की बीमारियाँ दूर फरमा दें। या अल्लाह पाक, अब तक जितने भी मुसलमान इस दुनिया जहान से वफात पा चुके हैं, या अल्लाह पाक इस रहमत की घड़ी में हम तुझ से उनकी बख्शिश की दुआ मांगते हैं। या अल्लाह पाक उन तमाम मुसलमानों के सदके मेरे वालदैन की भी बेसा बख्शिश और मगफरत फरमा दे। या अल्लाह पाक किससे मांगे, हम बड़े गुनाहगार हैं, तुझी से हम मांगते हैं, हमारा कौन है। या अल्लाह पाक हम बड़े गुनाहगार हैं, या अल्लाह पाक अपनी रहमत के सदके हमारी दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह पाक जो घरों में नाचाकियाँ हैं उन नाचाकियों को ख़त्म फरमा दे, जगड़ों को ख़त्म फरमा दे, उन घरों में प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा जिस तरह तेरी ये रहमत बरस रही है, इस तरह अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा माहौल बना दे अपनी रहमत के सदके। या अल्लाह पाक जिन पर बेजा मुकदमात हैं उनकी रिहाई अता फरमा दे। या अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको, दोबारा मैं कहता हूँ, जो बीमार हैं उनको शफाई का अमला आजला अता फरमा दे। या अल्लाह पाक जितने भी हमारे बच्चे बेटे, या अल्लाह पाक उन सबको अपने वालदैन का अदब व इत्राम करने वाला बना दे। या अल्लाह पाक मेरी ये दुआ है, दिली दुआ है। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक जितनी भी मेरी वाईटी के मेम्बरान हैं उन सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या अल्लाह पाक पाकिस्तान का आमी और नासर हो। या अल्लाह पाक हमें पाकिस्तान में अच्छा और नेक हुक्मरान अता फरमा, जो मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। या अल्लाह पाक जो गर्मी पाकिस्तान में है, या अल्लाह पाक इस गर्मी से निजात अता फरमा, और पाकिस्तान में जो बिजली का सिलसिला है, या अल्लाह पाक इन हुक्मरानों को हदायत नसीब फरमा कि ये हमारे मुल्क में जिस तरह ये काम कर रहे हैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकें, तो नेक हुक्मरान अता फरमा। तो जो भी मेरे बहन भाई हैं सभी के लिए जो घरेलू परेशानियाँ हैं, जो इख्तलाफात हैं, सबके जाला पाक अपनी रहमत के सदके ख़त्म फरमा दे। जाला पाक हमारे दिलों को नरम फरमा दे। जाला पाक हमें पांच वक्त का नमाजी बना दे। जाला पाक हमें पांच वक्त का नमाजी बना दे। जाला पाक हमारी नस्लों को ईमान पर सलामत रखना, मेरी हमेशा ही ये दुआ होती है। तो हमें पक्का और सच्चा नमाजी बना दे, पक्का और सच्चा आशिक़ रसूल बना दे। जाला पाक हम सब की फतह इसी में है। मैं दिखाता हूँ आपको कुछ बार के मनाजर, कितना प्यारा मौसम बना हुआ है, बारिश हल्की हल्की हो रही है माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्यारा मंजर है, व्यू मेरा अच्छा नज़र आ रहा है। तो मैंने सोचा ये रहमत की घड़ी है, इस रहमत की घड़ी में कुछ मांग ले अपने अल्लाह से, अल्लाह की रहमत बरस रही है, अल्लाह से मांग ले। तो बाहर के मनाजर भी दिखा रहा हूँ,
किस तरह के हैं, निज़ाम ज़िंदगी चलता रहता है, रुकता नहीं है, इंतज़ाम आते हैं, सफाई है, बारिश में कोई ये नहीं है, कीचड़ है, बिजली नहीं जाती। तो मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को इतना खुशहाल बना दे, वो जो ये तंगी तकलीफ़ें दूरी हैं बेचारे आवाम के लिए ये ख़त्म फरमा दे अल्लाह पाक। तो बारिश चमक रही है, ऊपर आसमान भी आपको दिखाता हूँ। तो मैंने भी अभी जाना है, ग्रोसरी सामान लेने जाना है अभी मैंने भी। वो तो गरज रहा है जी, बादल गरज रहे हैं। तो इधर यही होता है जी, दो या तीन दिन ज़्यादा से ज़्यादा बारिश पड़ती है, गर्मी सॉरी पड़ती है, तो उसके बाद बारिश आ जाती है तो मौसम फिर ठंडा हो जाता है। तो कल दिन को आज पहले दिन तो तकरीबन 24 पर टेम्परेचर था, तो अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, प्यारा हो गया, बल्कि ये समझे सर्दी हो गई है, ये समझे सर्दी हो गया, टेम्परेचर जो है वो माइनस पर चला जाता है, माइनस पर नहीं नीचे आ जाता है, यानी जितना भी होता है तो 8-9 पर टेम्परेचर आ जाएगा। तो 8-9 पर टेम्परेचर हो तो फिर जैकेट वगैरह पहननी पड़ती है इधर। तो लंबी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा आज, यही दिखाना था आपको ब्यूटीफुल जो है मौसम है। तो आप भी ज़रूर इंजॉय आपने भी किया होगा, इतना प्यारा मौसम, गर्मी जब बहुत, गर्मी में इस तरह का मौसम बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगता है, प्यारा लगता है, पानी और ठंडा वो भी बहुत प्यारा लगता है, या फिर ठंडा मौसम हो तो वो भी प्यारा ही लगता है। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क में भी गर्मी का तोड़ नेमल बदल पैदा करवाए। तो जितने भी हमारे बहन भाई हैं, अल्लाह ताला सबको अपने खजानों से माला माल फरमाए, जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनको नेक और साले रोज़गार अता फरमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक और साले औलाद अता फरमाए। तो यही दुआएं होती हैं जी। ब्लॉग में कुछ आज अच्छा ब्यूटीफुल व्यू था तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दूँ। तो वीडियो यही थी मेरी, वीडियो आज की यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला मेरे और आप सब लोगों के ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला खात्मा बिल ईमान फरमाए, अल्लाह ताला हमारी नस्लों को ईमान पर सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, स्पेन में रहता हूँ, निकल नारा अपने मुल्क पाकिस्तान का लगाता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद।